पत्थर हम मार्केट हमको मिलता नहीं है अच्छे रेट में देने के लिए। धीरे धीरे हमारे को 5-6 महीने में जब जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया सारा, फीडिंग मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारी यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, 16% तक यूरिया लोग देते, पशु दूध तो देता है लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। एक बच्चा भी पैदा करें और उससे दूध लें तो हमारे लिए बेनिफिट, आमदनी करना है तो आपको ब्रीड पे काम करना है। वेटनरी का कोर्स कर रहा हूँ, कुछ पंजाब से हैं, कुछ महाराष्ट्र हैं, कुछ गुजरात से हैं। पशु का रख रखाव कैसा कर रखा है, फार्म का आपका क्लिनेशन कैसा है, 1 तारीख को और 15 तारीख को छिड़काव कराते हैं, उससे क्या होता है जितने भी जू गाय को ऐसा पता भी नहीं चलेगा, स्मूथली बच्चा देती है। रेड वाटर आया था तो हम लोग घबरा गए कि ये तो रेड वाटर हो गया। के हम प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, लीटर दूध पे 300 ग्राम देते हैं और 100 ग्राम हम मेंटेनेंस करते हैं, तब हम करते हैं जब इसकी जानकारी नहीं होती। गाय को बेचो और 2 गाय को खरीद लो, तो हमारे ब्रीड पे तो आई है 25 फीट है इसका। 25 फीट अब दूध क्या करेगा, वो तो ठगा महसूस करेगा अपने आप। कौन सा वैरायटी मेरे पास सक्सेस है जिसके बारे में आप समझ सको, 45 के करीब लेके आए थे जी जी। छोटे बच्चों के लिए हमने हाइट कम कर रखा है जी जी। इसी का सीमन डलवा रहे हैं 40x16। पहले वो जॉब देख लें जी, अच्छा खासा पढ़े, रनिंग करें, दौड़े, हानि भी होती है तो आपका उसका क्लेम हो जाएगा। जो नए लोग बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर हम आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है और डेरी देखो आगे आगे क्या होता है। प्रेग्नेंट हो गया 28 दिन के बाद में जी। आप इसको यूटिंग देखते हैं और ये पूरा हमारा क्लिनिक देखते हैं, हरा चारा कम से कम उनको एक पशु को 5 केजी तो मिलना ही चाहिए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के वसुका गाँव में और मेरे पीछे आप जो डेयरी देख रहे हैं, इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 गायों से 14 महीना पहले किया गया था और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डेयरी फार्म में स्टार्टिंग में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, शुरुआत में जो है दूध कहां पर सेल किए, स्टार्टिंग में गायों की खरीदारी कहां से किए, अभी इनका इनके डेयरी फार्म पर जो है लगभग कितनी गाय है, इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, किस तरह का खान पान है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप कुमार, ग्राम बसुका जिला गाजीपुर। पिछले हम 1 सालों से डेयरी फार्म को चला रहे हैं सर। कितनी गायों से सर डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे? सर डेयरी फार्म की शुरुआत हम 2 गाय से किए थे जी जी, जो कि नस्ल में थी वो साहिवाल की थी, दोनों साहिवाल थी। इसके बाद हम धीरे धीरे हर महीने 1 या 2 गाय लेते आते रहे थे ताकि हमका दूध का प्रोडक्शन हमारा टूटे मत और लगातार हमारे को आमदनी भी होती रहे और हमारे पशु भी ठीक रहे। तो आप डेयरी सेक्टर में ही सर क्यों आए, इतना पूंजी लगाकर कुछ गांव में दूसरा बिजनेस भी कर सकते थे? सर डेयरी सेक्टर में आने का ये था, जैसे कि अभी पूर्वांचल की तरफ हमारी डेयरी आने स्टार्ट हो गई है तो उस समय हमारे पास एक काशी डेयरी आई थी जी, तो दूध सेलिंग का जो हमारे एक प्रोसीजर था वो हमारे गाय के माध्यम से स्टार्ट हो गया जी। इसकी वजह से हमको ये हुआ कि अब हमारे घर पे ही, सबसे बड़ी बात है हम मार्केट हमको मिलता नहीं है अच्छे रेट में देने के लिए दूध को। अभी जब डेयरी की गाड़ी आनी स्टार्ट हो गई तो हमने ये सोचा कि अभी डेयरी बिजनेस में ही अपना भाग्य को आजमाया जाए और जो कि आज अच्छा चल रहा है। शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा सर? शुरुआत में हमारे को जैसे मेस्टाइटिस हुआ और रिपीट ब्रीडिंग और यूरिन से ब्लड आना जी, ये सारी समस्याएं हुई। इसके बाद हमने उसका धीरे धीरे निदान स्टार्ट किया जी, तो कुछ सलाह लेकर के कुछ लोगों से पूछ के फिर हमने आज की डेट में हम बहुत एस्टेब्लिश हैं जी। तो क्या क्या परेशानी हुआ सर और आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन हुआ? नॉलेज की कमी की वजह से हमारे को प्रॉब्लम हुआ। हम लोग, हमारे पास पहले भैंस था तो भैंस जो हमारे पास थी तो उसके बारे में जानकारी थी लेकिन अभी गाय के बारे में तो हमारे को जानकारी थी नहीं। तो जब धीरे धीरे हमारे को 5-6 महीने में जब जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया सारा कुछ कर लिया तो इससे अभी समस्या हमारा 90% खत्म हो चुका है सर जी। तो गाय रिपीट क्यों करती है सर? रिपीट करने का सर, गाय को रिपीट करने के लिए जो है बहुत सारे कारण है सर। रिपीट का सबसे बड़ा कारण है सर हमारा फीडिंग के ऊपर जी। हमारा फीडिंग मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारी गाय कभी भी वो सही से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है जी। उसके अंदर फीडिंग और ब्रीडिंग जो हमारे AI वर्कर्स है यहाँ पे उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए। 1 हफ्ते में ट्रेनिंग करके AI वर्कर बन जाते हैं, पशुओं को अच्छा फीड देना चाहिए जी जी। जब से मैं अभी पिछले 4 महीने से मैं शीतल फीड यूज कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। अब जो लोकल फीड्स यहाँ पे आते हैं उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, 16% तक यूरिया लोग देते हैं जी जी। अभी शीतल फीड जो है वो 0.25% जो यूरिया फीड देता है जो कि पशुओं के लिए अच्छा है जी। लोग पशुओं को ऐसा फीड खिलाते हैं जो पशु दूध तो देता है लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। तो हम
पशु को एक दूध की मशीन ना बनाए, उससे हमको साल में एक बार बच्चा भी पैदा करना है जी। अगर हम एक पशु से एक साल में एक बच्चा भी पैदा करें और उससे दूध लें तो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर हम उसको पूरे साल अगर हम दूध ही लेते रहेंगे तो बच्चा कब देगा, नई जनरेशन कब होगी, इसलिए ब्रीड और फीड पे हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो लोग मानते हैं कि जितना में हम बछिया तैयार करेंगे, जितना खर्च करके उतना में हम गाय खरीद लेंगे, आप इसको कितना सही मानते हैं? सर मानते हैं सर, गाय खरीदने से आपका दूध बढ़ सकता है सर, लेकिन आपकी जनरेशन नहीं बदल सकती है जी। आप उसी तरह वही प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाएगी, वो 4 महीने 5 महीने दूध देगी, इसके बाद वो क्या होगा कि फिर आपका दूध प्रोडक्शन डाउन होगा, फिर एक गाय खरीद के लाएंगे तो क्या है आप हमेशा समस्या से निकल नहीं पाएंगे। अगर आप ब्रीड पे काम करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी ब्रीड होगी, 30+ की गाय जब होगी आपके पास में, अभी मान लीजिए इस सर्किल में जो हमारे पास 20+ वाली गाय मिल जाती है, नॉर्मल जो एवरेज रेट है वो है 15 से अबव गाय मिल जाती है, लेकिन क्या है कि इससे हमारे को हमारा जो खर्चा उतना नहीं निकल पाता है। अगर आप 30+ की गाय लेते हैं और ब्रीड आपका अच्छा है तो आपको फायदा होगा जी। इसलिए क्या है कि हमको उसको बछिया हमारे को तैयार करना ही पड़ेगा सर, तो इसलिए हमारे को बछिया तैयार करनी है। तो कितनी गाय पर कितनी बछिया, अगर 10 गाय है तो कितनी बछिया तैयार करना चाहिए? सर 10 गाय पे कम से कम आपको अगर नम है तो 5 तो बछिया आप तैयार कर लें। युवा चाहते हैं कि हमको इसमें काम करना है डेयरी सेक्टर में और अच्छा आमदनी करना है तो आपको ब्रीड पे काम करना पड़ेगा जी। तो आपको लगभग 14 महीना हो गया सर जी, तो ये जानकारी आप कहाँ से इकट्ठा किए? अच्छा सर, ये जानकारी हम कुछ आपको जैसे कुछ तो आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला जी, कुछ बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से, कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि मैं ऑलरेडी खुद मैं वेटनरी का कोर्स कर रहा हूँ, तो पिछले मैं 6 महीने से वेटनरी कोर्स कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को जनरल इसका फीडिंग के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में और AI की मेरे कैसे किया जाता है, रिपीट ब्रीडिंग कैसे होती है, तो ये सब जानकारियां तो हम कोर्स के अनुसार हम ले ही लेते हैं जी। लेकिन जो हमारे उसके कोर्स के अंदर जो फार्मर्स हमारे जुड़े हुए हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ आपके राजस्थान से हरियाणा से हैं, तो उनसे भी हम छोटे छोटे कुछ ना कुछ जो छोटे छोटे क्लू होते हैं, सब बातें होती हैं, हम पूछते रहते हैं जी जी, और हमको अच्छी खासी जानकारी देते रहते हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं कि गायों में एक मेस्टाइटिस की आम समस्या होती है सर जी, जी सर, तो मेस्टाइटिस ना हो तो प्रिक्यूशन के तौर पे क्या हम मतलब सावधानी बरत सकते हैं? अच्छा सर, मेरा मानना है कि मेस्टाइटिस कोई इस रोग नहीं है जी, ये क्या है हमारा एक जो वहाँ का रख रखाव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने पशु का रख रखाव कैसा कर रखा है, फार्म का आपका क्लिनेशन कैसा है, अगर आपने फार्म के ऊपर अच्छा खासा आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, अच्छा छिड़काव कर रहे हैं, हर बातों का ध्यान रख रहे हैं, तो ये मानता हूँ, मेरा मानना है कि 90% आपका जो है वैक्सीनेशन से ही आपका वो मेटास्टेसिस खत्म हो जाएगा जी। और उसके बाद में अगर नहीं भी होता है तो उसके अलावा तो फिर आपको जो मेडिसिन आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आप इसको यूज करिए और ठीक हो जाता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि मेटास्टेसिस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी जब आप वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन कैसे कैसे कराते हैं सर आप? सर वैक्सीनेशन हम एक बार हमारे पास जो वैक्सीनेशन की हम 2-3 टाइप कराते हैं, हम 1 तारीख और 15 तारीख को अपने फार्म के ऊपर वैक्सीन करवाते हैं। किस चीज का वैक्सीन सर? वैक्सीन सर हमारे पास एक फिनाइल है और इसके बाद फॉर्मलिन एक हमारे पास लिक्विड आता है उससे हम करवाते हैं और बूटेक्स भी हम डलवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हम छिड़काव कराने के बाद में 1 तारीख को और 15 तारीख को छिड़काव कराते हैं, उससे क्या होता है जितने भी जू मक्खी आप देखिए फॉर्म के ऊपर कोई भी मक्खी आपको नजर नहीं आएगी जी 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 बिल्कुल, और आपको हर एक पशु के अंदर कोई भी चीचड़ नहीं या कुछ नहीं दिखाई देगा जो कि हमारे पशुओं का ये इसके वजह से क्या है आपको इसका हमारा साइकिल को हमारे को तोड़ना पड़ेगा जी जी जी। अगर आपने एक दिन एक बार किया और फिर 15 दिन के बाद किया फिर छोड़ दिया आपने, तो आपने उसके जनरेशन को मारा नहीं, उसके जनरेशन को हमारे को मारना है जी, इसलिए आपको लगातार आपको कम से कम 3 महीने तक लगातार करिए, इसके बाद आपको अपने आप रिजल्ट आपको फॉर्म पे नजर आने लगेगा। मिल्क फीवर जो है वो होता है, इसको बोलते हैं मिल्क फीवर, ज्यादा हो जाने से इसे कीटोसिस हो जाता है। कीटोसिस मतलब क्या है कि अगर आपने उसको जैसे कि अभी जैसे हम शीतल फीड यूज करते हैं तो उसमें एक फ्रेश आता है, शीतल फीड में ही आता है कि आप पशु को बच्चा देने से आप 21 दिन पहले अगर वो फीड को चला देते हैं आप और जब फीड चलने के बाद बच्चा उससे क्या होता है स्मूथली और गाय को ऐसा पता भी नहीं चलेगा स्मूथली बच्चा देती है और जो कि उससे सारी समस्याएं जो मिल्क फीवर की है वो सब खत्म हो जाएगी जी। हमारा एक चीज है, हमारे लोगों से कहना है सभी से कि कोई चीज समस्या आने से पहले उसका क्यों ना हम समाधान ढूंढ लिया जाए जी, मेरा ये मानना है। तो हम जब क्या करते हैं, जब हमने शीतल फीड को यूज किया, जब हम काम किया उसमें हमारे को ये हुआ कि हमने उसको उसको पहले भी दिया और पशु को हमने बाद में भी दिया, इसका 21 दिन के बाद भी दिया हमने फीड को, तो उससे क्या हुआ कि हमारा दोनों पशु का जो जेर उड़ गिरना, उसकी समस्या होना,
पशु 21 दिन में क्लीन हो जाता है तो उसमें हमारी कोई समस्या आती नहीं। इसलिए हमारे पास फॉर्म पे कीटोसिस की समस्या तो ना के बराबर है और फिल जो मिल्क फीवर है अभी तक तो हमारे फॉर्म पे हुआ ही नहीं सर। जी सर, और क्या क्या साल भर में बीमारियों का सामना करना पड़ा सर? सर एक रेड वाटर, हाँ रेड वाटर आई थी सर। जी जी, रेड वाटर था तो वो गर्मियों में ज्यादा होता है। रेड वाटर आया था तो हम लोग घबरा गए कि ये तो रेड वाटर हो गया, लेकिन बाद में हमको पता चला ये पानी और जो गर्मी ज्यादा हो जाने से हम क्या करते हैं, हम पशुओं को ना केयर नहीं कर पाते हैं, हम टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। जी जी, कभी 40-45 डिग्री तक चला जाता है। तो उसको भी हमने जो उस समय तो हमारे पास इतना जानकारी भी नहीं था, जी जी, हमने लोकल डॉक्टर से, और यहाँ पे इतने इस टाइप के डॉक्टर है नहीं, फिर भी हमारा अच्छा खासा ठीक हो गया। सबसे अच्छा है सर हमारे पास केबिन का प्रोडक्ट आता है और केबिन के हम प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं मिलन मिक्सर में, और जो कि बहुत बढ़िया है सारे लोकल मार्केटों से, तो ऐसा है नहीं। क्यों अच्छा है सर? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारा मिनरल मिक्सर सर केमिन ऐसे है, बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है सर, वो उसके प्रचार के प्रसार के नहीं रहती है। जब कोई चीज अच्छा होता है वो कभी ज्यादा प्रचार नहीं करता सर, हमको रिजल्ट यहाँ अच्छा मिला है इसलिए मेरे को केमिन बहुत अच्छा लगता है। जी, तो अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है सर? सर हमारे पास अभी टोटल 10 गाय है। 10 गाय है, बछिया? बछिया हमारे पास अभी 8 है। 8 है। भैंस? भैंस हमारे पास 2 है। 2 है जी। तो अभी दोनों मीटिंग का कितना दूध निकल जा रहा है सर? दोनों मीटिंग का हमारा सर 80 प्लस हो रहा है सर। 80 प्लस जी सर। तो क्या रेट मिल जा रहा है सर? रेट अभी सर हमारा अभी एक्चुअली अमूल हमारे कुछ अभी डेयरियों ने कम कर रखा है, लेकिन 30-40 मिल जाता है। जी जी, क्या खाने के लिए इन लोगों को देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं? सर हम शीतल फीड देते हैं, हम जो शीतल फीड देते हैं 1 लीटर पे 300 ग्राम देते हैं, 1 लीटर दूध पे 300 ग्राम देते हैं जी, और 100 ग्राम हम मेंटेनेंस के लिए देते हैं जी। इसके हिसाब से हम जैसे हर पशु जो है नॉर्मल हमारा 2 केजी 2.5 केजी एक टाइम खाते हैं। जी जी, इसके अलावा और कुछ अलग से अनाज है सर? नहीं, इसके अलावा हम सर एक वही केमिन का मिलर मिक्सर चलाते हैं। जी, इसके अलावा हम वो कुछ देते नहीं। एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं मिनरल? मिलर मिक्सर हम एक गाय को सुबह 50 ग्राम देते हैं। जी, तो मिनरल देना कितना इम्पोर्टेंट है सर? मिनरल देना सर इसलिए जरूरत है क्योंकि हमको दूध कैल्शियम ही, जो कैल्शियम अगर शरीर के अंदर नहीं रहेगा तो दूध हमको अच्छी नहीं देगी, और मिलर और जो शीतल के फीड से क्या है उसका बैलेंस डाइट बन जाता है। जी जी, और बैलेंस डाइट से क्या है हमारा पशु हेल्दी रहता है, और टाइम से जो हीट में आने की समस्या है और सब कुछ मतलब सही रहता है सर। जी जी, और हरा चारा की बात कर लेते हैं सर, तो हरा चारा सालों भर मिल जाता है या कुछ ही महीने मिल पाता है? नहीं, हरा चारा सर हमारे पास सालों भर रहता है। जी जी, कुछ दो एक दो महीने हैं जो थोड़ा ड्राई पीरियड में चला जाता है। जी जी, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उस समय हमारे को थोड़ा सा पशु आहार बढ़ाने पड़ जाते हैं। जी, लेकिन बाकी हरा चारा भी बरसिंग है, बरसिंग के बाद फिर मक्का या जैसे बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो 14 महीना आपको इस क्षेत्र में हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र का चुनाव करके हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? सर मेरा एक ये है कि इस क्षेत्र में हम आने से गलती तो नहीं की है, गलती तब हम करते जब इसकी जानकारी नहीं होती। जी जी, हमने इस क्षेत्र में आने के बाद भरपूर मतलब की जानकारी ली है, और जानकारी अभी भी लेते रहेंगे और आगे भी ये जानकारी जारी रहेगी। जी, इसलिए हमें इससे कोई पछतावा। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर आपका? सर इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि ब्रीड पे काम करने की ज्यादा मेरा जोर रहेगा। दूध में तो मेरा इतना कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, दूध तो मैं 2 पशु और ला के बढ़ा सकता हूँ, अभी 2-3 पशु ला दूंगा तो अभी दूध मेरा 100+ चला जाएगा। जी जी, लेकिन मेरे को ब्रीडिंग पे काम करना है। अगर हम ब्रीडिंग पे जब तक काम नहीं करेंगे सर तो हम आगे की जनरेशन नहीं तैयार कर पाएंगे, तो क्या होगा कि हम इसी में उलझे रह जाएंगे, फिर गाय वो काम हो जाएगा कि 2 गाय लाओ, 2 गाय को बेचो और 2 गाय को खरीद लो। जी, तो हमारे ब्रीड पे काम चल रहा है सर, अभी हमारे पास 8 बछिया। तो सीट देख रहे हैं सर, स्टार्टिंग में ही बनवा लिए थे या बाद में बनवाए? स्टार्टिंग में तो नहीं बनवाए सर, बाद में पहले यहाँ पे हमारी मड़ई रखते थे हम लोग, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मड़ई थी मेरी। जी जी, ये पूरी मड़ई थी। जब हमने इसको 4-5 महीने जब काम कर लिया, जी जी, जब हम इसके बारे में पूरा समझ गए, फिर हमने बाद में शेड ही बनवाया था। स्टार्टिंग में ये शेड बनवाया? हाँ जी, स्टार्टिंग में ये शेड बनवाया था। तो क्या इसका डायमेंशन होगा सर? सर डायमेंशन इसका जो यहाँ से है ये 40 फीट लंबा है और चौड़ाई है 25 फीट है इसका। 25 जी सर। क्या खर्च पड़ गया होगा सर? खर्च इसका नियर अबाउट करीबन 2 लाख पड़ गए थे। 2 लाख जी, दोनों सेट लेकर के? दोनों सेट लेकर। अच्छा जी सर। और स्टार्टिंग में कौन सी गाय खरीद करके लाए थे सर? सर स्टार्टिंग में ये वाली गाय लाए थे हम लोग। जी जी, स्टार्टिंग में ये फर्स्ट हमारी गाय है। फर्स्ट लाए थे हम क्योंकि हमको एक्चुअली हमारे को डेरी में दूध देना था। जी जी, हमको फेट स्नैप पे भी काम करना है, तो पहले हमने सहवाल से स्टार्ट किया था। जी जी, ताकि सहवाल का फेट स्नैप अच्छा होता है। हमने क्या कि अपने डेरी पे हर टाइप की गाय मिलेगी आपको। जी जी, आपको देखिए आपको ये राठी भी मिल जाएगी, है ना, फिर आपको सहवाल भी मिलेगी, जर्सी भी मिलेगी, एचएफ भी मिलेगी, तो हर टाइप की, ताकि हमने ये देखा कि किसका
दूध अच्छा आ रहा है जी, क्योंकि आपको फर्स्ट में आप डेयरी जब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा किसका दूध अच्छा, किसी को तो नए लोगों को तो पता नहीं रहता जी जी। अब कोई ऐसे लोग हैं कि एक एचएफ लेके आ जाते हैं उसका फेट स्निफ नहीं लाता है, अब वो दूध क्या करेगा, वो तो ठगा महसूस करेगा अपने आप जी जी। इसलिए अच्छा है कि पहले जब आप फर्स्ट में आप लाते हैं तो आप सहीवाल लाइए, कोई जर्सी लेके आए, ताकि उसका फेट स्निफ हो, ताकि यहाँ के पूर्वांचल के लोग उसको दूध को अपना सही जगह पे आप सेल कर सके। अगर रेट अच्छा मिलेगा तभी आप अगले के लिए काम करेंगे आप जी जी। इसका सबसे बेसिक चीजें यही है कि आप पहले 4-5 वैरायटी रखिए, और रखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वैरायटी मेरे पास सक्सेस है, जिसके बारे में आप समझ सको, हो सके मेरे को साहिवाल के बारे में अच्छा जानकारी है, किसी 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 पशुपालक को राठी के बारे में जानकारी है, किसी के पास जर्सी के बाद किसी के एचएफ है, जो उसको सक्सेस होता है जी जी। जिसके जिस क्षेत्र में वो सक्सेस होता है उसको रखिए आप जी, और वहाँ फॉर्म पे रखिए, वो 100% सक्सेस होगा वो। तो ये गाय कहाँ से खरीदे थे सर, और कितनी में खरीदे थे? सर ये वाली गाय एक्चुअली हम गंगा उस पार से लेके आए थे, उससे में जब लाए थे तो हम इसको लाए थे 23,000 का लाए थे, 23,000 रुपए लाए थे जी। अभी तो गाय जब से डेयरी सेक्टर आई हुई है तब से मतलब गायों का रेट तो डबल हो गया है जी जी। हाँ, कोई भी आदमी कहीं भी चले जाए 40,000-50,000 से कोई जी 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 करता नहीं है। ये तो है, कितना दूध है सर इसका अभी? दूध सर आज की डेट में ये दोनों टाइम मिलाकर के कम से कम अभी 12 लीटर दे रही है। ताजा ब्याती है तो उतना? ताजा ब्याती तो 7 कम से कम ये 14 तक चली आती है, 14 तक। और दूसरी गाय कौन लाए थे सर? दूसरी के बाद में सर ये बड़ी वाली हम एचएफ लेके आए थे जी जी। और जब ये आई थी तो ये सर ये 22+ कर रही थी, ये 22+ कर रही थी और बड़ी हैवी गाय है जी जी। ठीक है, तो इस गाय का सर और शुरू में हमको बहुत कम रेट में मिली थी। कितना मिला ये? हम टोटल लंबे लग रहा है 45 के करीब लेके आए थे जी जी। आज की डेट में इस गाय का कीमत अभी 1 लाख रुपए पड़ रहा है। हाँ, तो ऐसी गाय अभी मिल भी नहीं रही है मार्केट में ये। तो गाय की खरीदारी कहाँ से की है सर? सर हमने जो भी गाय खरीदा है लोकल लोगों से खरीदा है जी जी। हमने कभी भी किसी मेला से नहीं खरीदा जी जी। और किसी दलाल के माध्यम से नहीं खरीदा। तो एक गाय खरीदते हुए सर क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सर जब आप गाय खरीदते हैं तो उसको पहले तो सर लोग पहले एरिया चूज कर रहा है कि हमको जिस एरिया से लेना है क्या उस एरिया में उस टाइप की उस क्वालिटी की दूध की गाय है कि नहीं है। अगर उस एरिया में टोटली गाय छोटे लोग रखते हैं उसमें 5-6 लीटर वो उस एरिया में से लाए गाय लेने की तो कोई फायदा है नहीं, बोल भी दे 10 लीटर का नस्ल पे ही देखना है उसकी नस्ल कैसी है, फिर हम उसको धार देखते हैं, फिर थन देखते हैं, फिर गाय बच्चा दिया है उसका जेर गिरा कि नहीं गिरा, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए सर ये नाद हमारा है बनाया हुआ है। अभी देखिए जो छोटे बच्चों के लिए हमने हाइट कम कर रखा है जी जी। तो इसके लिए छोटे बच्चों के लिए ये नाद है, और बड़े जो हमारे अभी जो बड़े बड़े बच्चियां जो तैयार हो रही हैं हिफर्स तैयार हो रहे हैं तो उनके लिए हमने बड़ा बना रखा है जी। अभी ये मतलब की अच्छे मतलब जो भी है हमने अभी ये सब हमारी बच्चियां जो है ये अभी कम से कम 11-12 महीने की है जी, और अच्छा ग्रोथ भी कर हिफर ड्राई दे रहे हैं अभी शीतल का, और अच्छा ग्रोथ कर रही है वो। तो ये जो गाय के साथ जो बच्चे आए थे वही बच्चे? हाँ, ये जो गाय के साथ हमने फर्स्ट में खरीदा था वही बच्चे हैं। अभी हम लोग इनमें सीमन भी जो डलवा रहे हैं एसीजी का सीमन डलवा रहे हैं 40/16 जी, और आने वाले दिनों में अभी हम इन्हीं बच्चियों के ऊपर हम सेक्सीवन का भी ट्रायल करने वाले हैं जी। तो आपके एरिया में एसीजी का सीमन मिल जाता है सर? हाँ सर, अभी हमारे पास काशी डेयरी के पास में एसीजी का सीमन है, और काफी अच्छा सीमन है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है जी, और हमारे कोर्ट के माध्यम से कट जाता है जी। यानी कि सीमन मिलने में क्या रेट मिल जाता है सर? उसके माध्यम से मिलता होगा तो कुछ कम में मिलता होगा? कोर्ट के माध्यम से 50 रुपए मिल जाता है। 50 रुपए मिल जाता है? AI जो वर्कर आते हैं उसको अलग से देना पड़ता होगा ना? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो कोर्ट से ही जाता है उसका। अच्छा, डॉक्टर कंपनी के ही आकर के डॉक्टर ही आते हैं जी जी। कोई युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और कितने लीटर वाली गायों से स्टार्ट करना चाहिए? सर जब आज का युवा अगर डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो मेरा तो एक मैसेज है कि पहले तो जो वो आप पढ़े लिखे हैं पहले वो जॉब देख लें जी, अच्छा खासा पढ़ें, रनिंग करें, दौड़े, अपना जॉब देख लें। अगर जॉब में उनका कहीं नहीं लगता है, पढ़ाई तो पढ़े लिखे हैं, मेरा ये मैसेज है कि इस फॉर्म के अंदर भी डेयरी फॉर्म के में पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत है जी, और उनको अगर शुरुआत करनी है तो 2 गाय 1 गाय ही स्टार्ट करो जी, 1 गाय लो आप, और 1 गाय से अगर उनको डर है, देखिए 2 पॉइंट और भी बता देता हूँ। हमारी कुछ लोगों का गाय होता है कि आएगी तो मर जाएगी। मेरे पास HDFC बैंक के जो लोन करते हैं वो उनका भी मेरे पास नंबर है। अभी किसी भी आपके माध्यम से किसी चाहिए किसी हमारे इधर के लोगों को आइए, पशु का आप लोग आपका उसका इंश्योरेंस करवा लीजिए, ताकि अगर कोई हानि भी होती है तो आपका उसका क्लेम हो जाएगा, जो नए लोग हैं ठीक है। और उनका एक मैसेज है मेरा आपके माध्यम से कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप धाम पानी पत्थर
सब धूप धाम पानी पत्थर का मतलब ये है कि जो हमारा ये क्षेत्र है वो ये क्षेत्र जो है मतलब यहाँ पे बाढ़ ज्यादा आता है जी। तो ये बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर हम आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है और डेरी देखो आगे आगे क्या होता है जी। ठीक है, तो मेरा ये है कि आप आइए काम पढ़ लिख करके अच्छा काम कीजिए जी, काम वो करिए। आप ये मत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% सक्सेस मिलेगा, 100% तब सक्सेस मिलेगा जब आप इस क्षेत्र के अंदर तहे दिल से हर चीज पे विषय पे काम करेंगे जी, ब्रीड पे काम करेंगे, फीड पे काम करेंगे, तब आपको हर चीज आपको समझ में आएगी। अब इसके अंदर पूरा मापदंड बनाया हुआ है जी। अब ये किट जो है ये हम पशुओं में यूज करते हैं, पशु को आप जो केमिन का रेप्रोमिन है, आप रेप्रोमिन आप उसको जैसे ही हिट में आता है वो, इसके बाद एआई करवाने के बाद में आप एआई करा लेते हैं, और एआई कराने के बाद जब आपको ये लग जाता है कि मेरा पशु प्रेग्नेंट हो गया 28 दिन के बाद में जी, आप इसको यूज कर सकते हैं जी। और इसके बाद में इसका जो रिजल्ट है 99% बिल्कुल सही है जी, जो कि हमने अभी तक आज तक अभी हमने 6 पशुओं पर यूज कर चुके हैं जी। तो इसलिए कहें कि मेरा कहने का मतलब कोई भी युवा अगर करना चाहता है आप करिए, लेकिन नॉलेज रखिए, बिना नॉलेज के मत आइए आप, मेरा ये कहने का मतलब। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। देखिए मेहनत तो हमारे सर हमारे दो वर्कर्स हैं हमारे पास में, एक हमारा ये पवन है जी, और एक हमारे काशी हैं जी, जो ये हमारे कर्णधार हैं यहाँ के, ठीक है, और ये दोनों ही हमारे इस फॉर्म को पूरा देखते हैं जी, ये ओवरऑल हमारा पूरा फीडिंग देखते हैं और ये पूरा हमारा क्लिनिक देखते हैं जी फॉर्म के ऊपर, और इन्होंने फॉर्म को ऐसा कर रखा है बिल्कुल चमका के, सिर्फ हम इनको गाइडलाइन देते हैं अपना, और इस गाइडलाइन के वजह से जो भी है ये हमारी इनकी सबकी एक टीम है हमारा, ये जी जी एक टीम वर्क से हम लोग काम करते हैं, तो इस टीम वर्क से हमारा क्या है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्यों लोग बंद कर देते हैं सर? दो रीजन है सर, एक रीजन है दूध का सही रेट ना मिलना जी, और दूसरा रीजन है उसका ब्रीड पे काम नहीं करना जी। तो यही दो मेरा रीजन है, अगर आप दूध का रेट अच्छा मिल रहा है और आप ब्रीड पे अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा सपोज दैट करिए कि आपका दूध नहीं निकला जी, कम में निकल रहा है, अगर आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग आपके यहाँ से ब्रीड भी खरीद के लेके जाए जी। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपको आपको बाहर निकलना पड़ेगा जी, और आपको हर रास्ते को अपनाने पड़ेंगे जी। हरा चारा कम से कम उनको एक पशु को 5 kg तो मिलना ही चाहिए जी। जी तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।